दोस्तों, आज है सितंबर की 17 तारीख और आप देख रहे हैं सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह का मौसम। सितंबर के तीसरे सप्ताह में भारतीय महीना अश्विन स्टार्ट हो जाता है, तो अश्विन महीने के शुरू होने से जो बरसात है वो मानी जाती है ख़त्म। इसके साथ ही जो पहाड़ों पर धुंध छाई होती है वो भी साफ़ हो जाती है और दूर दूर तक अब पहाड़ नज़र आते हैं। अश्विन महीना शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होने के कारण टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटियां हैं वो भी जो बंद हो जाती है वो भी अब शुरू हो जाती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग या जो बरसात के कारण टूरिस्ट हिमाचल घूमने नहीं आ पाते वो भी अब सितंबर के तीसरे सप्ताह से आने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान मौसम खिला खिला सा रहता है, अगर कभी बारिश भी होती है तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, भूस्खलन या बादल फटने की घटनाएं अब नहीं होती, तो आसमान में भी कुछ इस तरह के अब बादल छाए होते हैं और अब अश्विन महीना शुरू होने के कारण सर्दियों की शुरुआत भी अब हो चुकी है। अश्विन महीना शुरू होने से जो भारतीय महीना सातवां है उसके वो शुरू होने से शरद ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, तो अब धीरे धीरे से पहाड़ों में ठंड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये है कुछ सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह का मौसम।